हेलो फ्रेंड्स, सिंपल वीडियोस इन कुकिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको आलू और सूजी की पूड़ियाँ बनाना बताऊंगी। ये पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी लगती है और ये चटपटी लगती है। ये पूड़ियाँ आप किसी भी बड़े त्योहार पे बना सकते हैं, और अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ रहा हो तब भी आप ये पूड़ियाँ बना के आप खिला सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन होता है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम देखते हैं हमें आलू और सूजी की जो पूरियाँ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे। ये हल्दी पाउडर, ये भी हम आधा चम्मच लेंगे। ये सूजी है, ये मैंने 1 कप सूजी लिया है। ये तेल पूरी फ्राई करने के लिए। ये आलू, ये मैंने 3 मीडियम आकार के आलू लिए हैं और इनको अब उबाल लिया है। ये है हींग, हींग मैं 2 चुटकी भर लूँगी। और ये चाट मसाला आधा चम्मच, ये धनिया पाउडर आधा चम्मच, ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। यह है अजवाइन, ये मैंने 2 चुटकी भर अजवाइन ली है। यह है कसूरी मेथी, आप कसूरी मेथी की जगह हरा धनिया भी ले सकते हैं, लेकिन जो कसूरी मेथी है उससे पूरियाँ बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और खुशबूदार बनती है। और ये मैंने लिया है घी, ये मैंने देसी घी लिया है, ये मेरे घर में निकाला हुआ घी है। इसकी हम 2 चम्मच जो हम आटा लगाएंगे उसमें हम डालेंगे। आप घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं, मुझे थोड़ा ऑयल कम पसंद है आटे में डालना, इसलिए मैंने ये घी लिया है। आप इसकी जगह ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो आइए हम हमारा जो डो है वो लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम ऐसा कोई बड़ा बर्तन ले लेंगे या बाउल ले लेंगे जिसमें हम अच्छे से डो को लगा सके। तो हम सबसे पहले इसमें ये कद्दूकस रखेंगे, और ये जो हमारे उबले हुए आलू हैं इनको कद्दूकस कर लेंगे। आप इनको हाथ से भी मैश कर सकते हैं, मैं इसको कद्दूकस से इसलिए कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी गांठ ना रहे। इसी तरह से हम जो तीनों आलू हैं उनको मैश कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे आलू है उनको अच्छे से मैश कर लिया है, इससे कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए मैंने सारे आलू कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसमें हम जो हमारे मसाले हैं वो डाल देंगे। इसमें हम ये जो मैंने आधा चम्मच कसूरी मेथी ली है ये डाल देंगे। ये 2 चुटकी भर हम हींग डाल देंगे, हींग से पूरियां पचने में आसानी होती है। ये लाल मिर्च डाल देंगे आधा चम्मच, आप लाल मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये जो हमारी अजवाइन है वो डाल देंगे। ये थोड़ी सी हम हल्दी डाल देंगे 2 चुटकी भर ताकि अच्छा कलर आ जाए। ये हम चाट मसाला जो हमने लिया है आधा चम्मच ये डाल देंगे। ये जो हमने धनिया पाउडर लिया है ये डाल देंगे। नमक डाल देंगे, नमक मैं इसमें 1 चम्मच यूज कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल सकते हैं। अब हम इसमें ये सूजी डाल देंगे। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से इसको इसको मिला लेंगे, अच्छे से पूरा मसाला मिल जाए, पूरी सूजी में आलू वगैरह सब कुछ इसमें मिक्स हो जाए। एक इसको आटे की जैसे लगा लेंगे, इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि आलू जो है वो हमारे मॉइस्चर छोड़ते हैं जिससे हमारी सूजी आलूओं से अच्छे से लग जाएगी। अब हम इसमें ये जो हमारा हमने घी लिया है वो डाल देंगे इसमें 2 चम्मच। अब हम इसको आटे की जैसे अच्छे से इसको गूंथ लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको आटे की जैसे अच्छे से गूंथ लिया है। इसको अच्छे से, जैसे हम आटा लगाते हैं उस हिसाब से मैंने इसको अच्छे से गूंथ लिया है। अब हम थोड़ा सा जो घी है वो हम हाथ पे लेंगे इस तरह से, और इस पे इस तरह से लगा के, और हम इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे। उसके बाद हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे, सिर्फ 10 मिनट हमें इसको रखना है, उसके बाद हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे 10 मिनट हो गए। अब हम हमारे जो आटा लगा हुआ है उसको चेक कर लेते हैं। हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है, ये देखिए। हम इसको थोड़ा सा हमारे हाथ पे थोड़ा सा ये घी लगा के, घी की जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं, ये घी लगा के हम इसको थोड़ा सा अच्छे से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से मसल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 2 मिनट अच्छे से इसको मसल लिया है। अब हम इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। लोइयाँ आप अपनी इच्छा से तोड़ सकते हैं, छोटी बड़ी, जैसे भी आपको पूरी चाहिए, छोटी या बड़ी, वैसे तोड़ सकते हैं। मैं इसके इस तरह की लोई तोड़ रही हूँ। इस तरह से हम ये सारी लोई तोड़ के तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी लोइयाँ तोड़ के तैयार कर ली है। अब हम एक लोई उठाएंगे और इस तरह से हम हाथों से इसको गोल कर लेंगे, इसको लोई की शेप दे देंगे इस तरह से, एक ऐसे पेड़ा बना लेंगे। जैसे हम नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं उस हिसाब से हम इसको गोल कर लेंगे। अब हम सबको इसी तरह से हम इनको पेड़े बना लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारे जो पेड़े हैं वो बना के देखिए तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी पूड़ी बेलेंगे। अब हम थोड़ा सा जो हमारा चकला है उस पर हम थोड़ा सा घी डालेंगे। इस तरह से हम इसको चुपट देंगे ताकि हमारी जो पूड़ी है वो चकले पे चिपके ना। और जो हमारा बेलन है इस पर भी हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे। अब हम हमारी एक लोई उठाएंगे और इस तरह से हम हल्के हल्के हाथों से हमारी जो पूड़ियाँ हैं उनको बेल के तैयार करेंगे। आप पूड़ी अपने इच्छा के अनुसार, छोटी या बड़ी, जैसी भी आपको पसंद हो वैसी बना सकते हैं। हम इसी तरह से देखिए ये सारी पूड़ियाँ बेल के तैयार करेंगे। मैं आपको एक पूड़ी बेल के और दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बहुत आसानी से बिल जाती है। ये देखिए, इस तरह से हम सारी पूड़ियाँ बेल के तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूड़ियाँ बेल के तैयार कर ली है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये जो हमने तेल रखा है वो भी हमारा गर्म हो गया है। हमें पूड़ियाँ तलने के लिए अच्छा गर्म तेल चाहिए, और हम इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा आटा डालेंगे। ये देखिए, ऊपर उठ के आ गया। इसका मतलब हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो गया है। ये पूरी तलने के लिए परफेक्ट है। अब हम इसमें एक एक करके हमारी जो पूड़ियां हैं वो डालेंगे। आप जितनी कढ़ाई में आए उस हिसाब से आप पूड़ियां डाल सकते हैं। और इसको इस तरह से हल्के हाथ से आप इनको फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी पूड़ियां फूलने लगी है। इसको पलट देंगे। इस तरह से आप जो हमारी जो इस स्ट्रेनर है इसकी सहायता से हम इस तरह से हल्के हाथ से इसको दबाएंगे तो ये फूल जाएगी। हमें पूड़ी तलने के लिए अच्छा तेल गर्म होना चाहिए, उसमें हमारी पूड़ियाँ बहुत अच्छी सिकेगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पूरे किचन में इसकी बहुत अच्छी खुशबू हो गई है। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। ये हमारी पूड़ियाँ सिक गई है। अब इनको हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम कढ़ाई में हमारी जो चलनी है उसको इस तरह से लगाएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो सारा कढ़ाई में वापस निकल जाएगा। देखिए, हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो सिक गई है,
और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनमें। अब हम बाकी की पूड़ियाँ भी तल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारी पूड़ियाँ फ्राई करके तैयार कर ली है। अब हम इसको ऐसे प्लेट में निकाल लेंगे, गैस ऑफ कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो पूड़िया है वो बन के तैयार हो गई है। मैंने इसके लिए लहसुन की चटनी बनाई है। आप इसको ग्रेवी की सब्जी के साथ, आप अपनी मनपसंद सब्जी के साथ इसको खा सकते हैं। आप इसको सॉस के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगती है। हमारी स्वादिष्ट आलू और सूजी की पूड़िया तैयार हो गई है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।